प्यारे बच्चों, दसवीं कक्षा के विज्ञान के आठवें चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं के पांचवें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले चौथे लेक्चर में हमने मानव में प्रजनन नामक टॉपिक जो है शुरू कर दिया था, जिसमें से पहले दो पॉइंट्स जो हम क्लियर कर चुके हैं कि यौनारंभ आयु क्या है और उसमें होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं, और इसके अलावा हम मृद जनन तंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और जनन स्वास्थ्य के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब आइए सबसे पहले मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि मादा जनन तंत्र में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक अंडाश्य होता है, दूसरा फेलोपियन ट्यूब यानी जिसको अंडवाहिका कहते हैं, और तीसरा होता है गर्भाशय। अब सबसे पहले देखिए कि जो अंडाश्य है इसमें क्या होता है कि मादा जनन कोशिकाओं अर्थात अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, इसके अलावा दो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, इनका उत्पादन भी यहाँ पर होता है। अब वैसे तो जब बच्ची का जन्म होता है उसी समय अंडाशय के अंदर हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, अंड कोशिकाएं होती है, लेकिन जैसे यौनारंभ शुरू होता है जब, तो इनमें से कुछ जो है वो परिपक्व होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। तो हर महीने क्या होता है कि एक जनन कोशिका जो है, एक अंड कोशिका जो है वो परिपक्व होती है। ओके, और उसके बाद जो दूसरा अंग आता है दैट इज अंगवाहिका या फेलोपियन अंडवाहिका या फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या करती है कि यहाँ चित्र में से देखिए कि ये जैसे फेलोपियन ट्यूब्स हैं और इनका काम क्या है कि जो यहां पर जन कोशिकाएं पैदा हुई है, जो अंड कोशिकाएं पैदा हुई है उनको यहाँ से गर्भाशय तक लेकर के आती है। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो एक नंबर में पूछ ली जाती है कि अंड कोशिका और शुक्राणुओं का जो निषेचन होता है वो इसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। कई बच्चे इसको गलती से गर्भाशय लिखाते हैं जो कि गलत है। ठीक, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और तीसरा पार्ट आता है यहाँ पर गर्भाशय। तो ये गर्भाशय क्या होता है कि जैसे ये फेलोपियन ट्यूब जो है वो आगे जा करके देखिए ऐसे संयुक्त हो जाती है और एक लचीली थैलीनुमा संरचना बना लेती है, और इसी थैलीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। ठीक, और ये जो गर्भाशय का आगे जो द्वार है इसको हम ग्रीवा कहते हैं, जो आगे जो है यहाँ पर खुल जाता है। अब देखिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मादा जनन तंत्र की सचित्र व्याख्या कीजिए, तो आपने इस तरह से चित्र बनाना है और इन तीन अंगों का आपने जो है बता देना है कि कैसे होते हैं और इनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक, तो अब जैसे नर जनन तंत्र के बारे में मैंने बताया कि सिर्फ कई बार चित्र भी दे देते हैं एक या दो अंक में, तो आपने चित्र बनाते समय जो है इनके नाम है ये जरूर लिखने होते हैं। ठीक, अब हम आगे दो केसेस और डिस्कस करेंगे कि एक तो जैसे एंड कोशिका यहाँ फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गई और यहां से जो है यात्रा करते हुए एक नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु जो है वो यहां तक पहुंच गया। एक केस तो ये हो सकता है कि इनका निषेचन हो जाए। ठीक, एक हो सकता है कि यहाँ शुक्राणु अवेलेबल ही ना हो। ठीक, या हो तो उसका निषेचन ना हो पाए। ठीक, तो कोई कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कि अगर निषेचित होता है तो क्या होगा और निषेचन नहीं होता तो क्या होता है। तो जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन होता है तो वहां पर जो बनता है उसको हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, या इसको गैमिट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गैमिट। इंग्लिश में इसको जायगोट भी कह देते हैं, ZYGOT। ठीक, अब देखिए कि ये युग्मनज जो है फिर बाद में गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है। अब देखिए यहाँ गर्भाशय में इसका रोपण होने के बाद युग्मनज का इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं निकलना। ठीक, और जो है ये एक भ्रूण बन जाता है। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि इसका विभाजन और विभेदन जो है वो शुरू हो जाता है।
ठीक, और ये जो है भ्रूण बन जाता है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि योगमोनस या गैमेट या जायगोट जो है उसका विभेदन और विभाजन होकर के वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, और ये किसमें स्थापित हो जाता है, गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है। ठीक, अब जो मादा का शरीर है वो इस भ्रूण के विकास के लिए, इसको पोषण देने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, और हर महीने जो है ये गर्भाशय इस भ्रूण को पोषण देने की तैयारी करता है। इसलिए जो गर्भाशय है उसकी आंतरिक परत जो है ना वो मोटी हो जाती है कुछ इस तरह से। ठीक, और यहाँ पर जो पोषण देने के लिए यहाँ पर रुधिर का प्रभाव है, खून का प्रभाव है, वो भी ज्यादा हो जाता है। ठीक, और इसको पोषण देने के लिए जो है ना एक यहाँ पर विशेष संरचना होती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, इस तरह से प्लेसेंटा, एक कटोरी टाइप का यानी एक प्लेट टाइप की जो है यहाँ पर संरचना होती है। ठीक, प्लेसेंटा क्या करता है कि यहाँ पर इसको भ्रूण को जो है, यहाँ पर एक पाइप जो है भ्रूण की नाभि में जुड़ी हुई होती है, इसके थ्रू जो है इसको क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह जो है इस तरह के पोषण देता है। और जो भ्रूण थोड़ा सा विकसित हो जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ भी जो है ये छोड़ेगा, तो जो इसके अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी जो है इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो प्लेसेंटा पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेसेंटा क्या होती है और इसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो इस तरह से जो ये बेबी है, ये भ्रूण जो है आगे चल करके पूर्ण बेबी के रूप में, एक बच्चे के रूप में जो है विकसित हो जाता है, जिस इस पूरे प्रोसेस में जो है लगभग 9 महीने का समय जो है वो लगता है। अब देखिए हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो क्या होता है। तो अब देखिए कि ये तो आपको पता ही है कि गर्भाशय क्या करता है कि हर महीने अंड कोशिका की प्राप्ति के लिए अपनी तैयारी करता है। इसके लिए जो गर्भाशय की जो अंदर की जो भिंती है, उसकी जो दीवार है, वो जो मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है, ठीक, उसमें रक्त का प्रवाह ज्यादा हो जाता है। और अगर मान लीजिए अंडे का निषेचन नहीं होता, ठीक, वैसे अगर निषेचन हो जाए तो ये चीजें जो है उस भ्रूण को पोषण देने के लिए जरूरी है, अगर निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर भ्रूण नहीं होगा तो इस परत की आवश्यकता भी कोई नहीं रहेगी, ठीक, और ये परत जो है धीरे धीरे टूट करके जो शरीर से बाहर आने लग जाती है और रक्त के रूप में या म्यूकस के रूप में जो शरीर से निष्कासित हो जाती है। ठीक, और ये इस प्रोसेस को लगभग 1 महीने का समय लगता है और इसे हम ऋतुस्राव या रजोधर्म कह देते हैं, और ये अवधि जो है 2 से 8 दिनों की होती है। लेकिन जब स्त्री की उम्र 40 से 50 साल हो जाती है तो अंडाशय से जो अंड कोशिकाओं का उत्पादन है वो बंद हो जाता है। ठीक, और ये जो ऊपर हमने बताया था ये ऋतुस्राव या रजोधर्म जो है ये भी बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद इसको हम कहते हैं कि रजोनिवृत्ति हो जाती है। अब आगे आता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है वो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो है वो स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक, अब देखिए कि वैसे तो यहाँ बुक में पूरा पैराग्राफ लिखा है, अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो उसको पढ़ लेना, लेकिन मैं यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ कि रोगों का जो लैंगिक संचरण है वहां से जो है 2 तरह के रोग होते हैं, एक तो जीवाणु जनित रोग होते हैं, एक विषाणु जनित रोग होते हैं, जैसे गोनेरिया और सिफिल्स, ये तो जीवाणु जनित रोग है, और मस्सा और एचआईवी एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। ठीक, अब उसके बाद आता है गर्भरोधन। गर्भरोधन का मतलब होता है गर्भधारण से रोकना। ठीक, अब आगे आता है गर्भरोधन के प्रकार। गर्भरोधन जो है वो कितने तरीकों से कर सकते हैं, इसके लिए कई सारे तरीके हैं। एक तो यांत्रिक अवरोध है कि इसमें जो है शुक्राणु और अंड कोशिका को जो है
मतलब शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने नहीं दिया जाता, तो जो अंग होते हैं उनको कवरिंग कर दी जाती है। और इसके अलावा एक रासायनिक तकनीक होती है जिसमें स्त्री को कोई दवाई या कुछ गोली वगैरह दे दी जाती है, जिसमें जिसकी वजह से जो है कुछ हार्मोन चेंज हो जाते हैं, उनका संतुलन जो है परिवर्तित हो जाता है, और उस वजह से जो मादा के अंदर अंड कोशिका जो है वो बनती ही नहीं है। ठीक, लेकिन इस तकनीक के कई बार विपरीत प्रभाव भी हो जाते हैं, कई साइड इफेक्ट इसके होते हैं। इसके अलावा कोपर्टी वगैरह है, और ऑपरेशन से भी जो है गर्भरोधन किया जा सकता है, जैसे पुरुषों के अंदर नसबंदी होती है और महिलाओं के अंदर जो है ट्यूबेक्टोमी जो है टेक्निक होती है। तो नसबंदी के अंदर जो शुक्रवाहिकाएं जो होती है उनको रोक दिया जाता है, और इस वजह से शुक्राणुओं का स्थानांतरण तो होगा नहीं। और ट्यूबेक्टोमी यानी महिलाओं के अंदर क्या होता है कि जो अंडवाहिनी जो होती है उसको अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक, जिसके वजह से जो है अंड कोशिका का स्थानांतरण नहीं होगा। अब हम एक सामाजिक बुराई की बात करते हैं, भ्रूण हत्या की बात करते हैं। तो जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह कई सारी ऐसी टेक्निक होती है जिसकी वजह से भ्रूण की जांच हो जाती है, क्योंकि भ्रूण में आपको पता है कि अंग धीरे धीरे विकसित होने लग जाते हैं। तो जैसे भ्रूण 3 या 4 महीने का होता है, उस दौरान जो है अंग लगभग विकसित हो जाते हैं, तो पता लग जाता है कि भ्रूण जो है उस वो लड़की का है या लड़के का है। तो कुछ लोग जो लड़कियां नहीं पसंद करते या बेटों की चाहत ज्यादा होती है, वो लोग क्या करते हैं, पेट के अंदर ही भ्रूण को मरवा देते हैं। ठीक, तो इस तरह से मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना जो है वो क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाती है। ठीक, तो अब देखिए कि एक स्वस्थ समाज के अंदर संतुलित लिंग अनुपात होना जरूरी है। संतुलित लिंग अनुपात का मतलब है कि जितने पुरुष है उतनी महिलाएं जो है वो होनी जरूरी है। अगर ये जो लिंग अनुपात केवल तभी सही होगा जब लोगों के अंदर जागरूकता होगी। ठीक, अब देखिए कि ये जो भ्रूण हत्या है ये समाज के लिए कितनी खतरनाक है, ये मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मैंने अभी censusofindia.gov.in, ये भारत सरकार की जनगणना की वेबसाइट है, यहाँ से मैंने डाटा देखा कि पूरे इंडिया में 0 से 6 वर्ष के अगर हम बच्चे लें तो उनका जो सेक्स रेशियो है वो 927 है। सेक्स रेशियो का मतलब अगर 1,000 पुरुष हैं तो 927 महिलाएं हैं यानी फीमेल हैं, यानी 0 से 6 वर्ष के कितने लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये जो सेक्स रेशियो है ये काफी कम है, ये 819 है। अब मुझे नहीं पता है, डाटा थोड़ा सा पुराना भी हो सकता है कि कुछ इसमें हो सकता है अभी सुधार हो गया हो। तो अगर हम इसी को मान के चलें तो ये सोच के देखो कि 1,000 के पीछे लगभग 181 जो है, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो वो अनमेरिड रहेंगे लड़की। ठीक, और पूरे गांव के अंदर एक ही निकम्मा आदमी हो जिसका घर ना बसा हो, वो देखो क्या कर सकता है, कितनी शरारतें कर सकता है वो। और जब 1,000 के पीछे 181 होंगे तो समाज का क्या हाल होगा, तो ये तो हम सोच सकते हैं। तो अब देखिए कि इसीलिए हम ये कहते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता और शिक्षा जो है वो फैलनी जरूरी है, ताकि भ्रूण हत्या और लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं पर, लिंग निर्धारण मतलब उसकी चेकिंग ही ना हो, अल्ट्रासाउंड वालों पे या इस तरह से जो टेक्निक है उन पे रोक ही लगा दी जाए। ठीक, ताकि भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं पे रोक लग सके। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमारे मुख्य टॉपिक थे इस चैप्टर के वो सारे कवर हो चुके हैं। अब लास्ट में रहते हैं हमारे कुछ एक एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो लगभग यहाँ पर कवर हो चुके हैं हमारे चैप्टर में, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने नोट्स में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो दे दिया है। ठीक, तो फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता देना।
तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।